हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर देव। हमारे इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग को एक प्लांट्स के बारे में बताएंगे, केयरिंग के बारे में। उसका नाम है अम्ब्रेला पॉम। तो दिखाते हैं आप लोग को, आइए। तो दोस्तों, ये रहा वो अम्ब्रेला पॉम जिसके बारे में अभी हम आप लोग को बताएंगे। इस प्लांट को दोस्तों कि आप लोग इसको आउटडोर और इंडोर दोनों में रख सकते हैं। इंडोर मतलब हल्का सा उसमें प्रकाश आनी चाहिए, ऐसे जगह में रखा जा सकता है। और इसके सॉइल के लिए कुछ खास सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें मिट्टी तैयार करने के लिए आप नॉर्मल मिट्टी इसमें डाल सकते हैं, कि हल्का सा रेत जरूर डालिएगा और मिट्टी और वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद, बस इतना में ये पौधा आपका तैयार हो जाएगा, लग जाएगा। इसको लगाने का एक ट्रिक है दोस्तों, आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा के या गमले में रख सकते हैं। मैंने इसको पॉट में लगाया है और प्लस उसमें पानी में डुबा दिया है, उससे और अच्छा हो जाता है ये। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एक पॉट में लगाया है लेकिन इसको पानी में डुबा रखा है। आप देख रहे होंगे कि इसका रूट कितना बढ़ चुका है, ये देखिए। और यहाँ पे जैसा कि छेद कर दिया हूँ, ये देखिए नीचे भी होल है, यहाँ से पूरा जड़ बाहर हो गया है, सारे तरफ मैंने छेद कर दिया है इसमें। ये देखिए यहाँ पे छेद है, यहाँ से पानी अंदर चले जाता है और ऊपर से भी और नीचे से पानी चल जाता है। इसका जड़ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा मैं कटिंग कर रहा हूँ इसको। क्योंकि मेरे को इसको रखते नहीं पड़ रहा है, हाइट ज्यादा हो जाता है, बीच बीच में इसको काटते रहता हूँ क्योंकि अंदर में तो और रूट है ही, इतना अंदर में काफी रूट है इसके। और इसके सूखे सूखे पत्ती को हम ऐसे काट देंगे, जितना भी सूखा पत्ती है इसको आप काट सकते हैं। अब इसको मैं फिर से उस पॉट में रख दे रहा हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसको ऐसा पानी में लगाने से आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको 10 बार इसमें पानी की डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार आप लगा दिए तो फिर वो पानी आप ही आप एब्जॉर्ब करते रहेगा, नीचे से या ऊपर से। तो इस प्रकार के लगाइए दोस्तों पानी में इसको। दोस्तों, इस प्लांट को और तैयार किया जा सकता है। इस प्लांट को और तैयार करने के लिए इसका ये पत्ती देख रहे हैं, इसको काटेंगे और इसको पानी में हम डुबा के रखेंगे। मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने काट लिया है, अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे और इसको किनारे किनारे से और काट लेंगे। ऐसा मैंने काट लिया है, ये देखिए, और इसको पानी में हम डुबा देंगे। पानी में हमने इसको ऐसे डुबा दिया, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि यहाँ से रूट्स निकलना चालू हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो कुछ दिन बाद इसको हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसा बड़ा होगा, कैसा हम इसको तैयार करेंगे। इस प्लांट को मैंने वही मेथड से अभी जो आपको मैंने बताया, पानी में डुबा के जो पौधा जो रखा हूँ, वही मेथड से मैंने इसको तैयार किया है और ये अलग से लगाया है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप ऐसे गमले भी लगा सकते हैं, ऐसा नॉर्मल मिट्टी में ये प्लांट पानी और दोनों में उग सकता है। और जैसे आप इस प्लांट को ऐसे गमले में लगाएंगे तो आपको पानी डालने की जरूरत पड़ेगा 2-3 दिन में, इसको पानी बहुत जरूरत पड़ता रहता है उसको। दोस्तों, हमारे पास वाटर लिली का भी कलेक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर है, और ये हो गया पिंक कलर, ये पिंक कलर है, और इसमें येल्लो कलर का भी है, दिखा रहे हैं ये येल्लो कलर है, और साथ में वाइट कलर का भी है हमारे पास। तो आने वाले वीडियो में इसके केयरिंग के बारे में बताएंगे, सॉइल कैसे बनाएंगे ताकि और अच्छे से फूल आ सकें। ठीक दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो, और आप इस चैनल में अगर नए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।